लॉकअप में हुई है बहुत बड़ी लड़ाई, फिजिकल वायलेंस। जी हाँ, और ये खबर जैसे ही करण कुंद्रा के कान तक पहुंची, वो तुरंत निकल पड़े हैं इसका फैसला करने के लिए। अब जीशान खान का फैसला होगा। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ा फिजिकल वायलेंस हुआ है लॉकअप में, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दूं कि आजमा और आजमा के साथ जो है जीशान खान ने फिजिकल वायलेंस किया है। जो आजमा है वो कुछ जो जीशान की गर्लफ्रेंड को लेके कुछ कह देती हैं और उस पर भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं जीशान खान, और आजमा के सारी चीजें तोड़ने लगते हैं, बॉक्स फेंक देते हैं, उनका मेकअप बॉक्स सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगते हैं, फिर झाड़ू उनके मुंह पे मार देते हैं, और पायल रोहतागी बचाने आती तो उनको भी धक्का मारते हैं। तो धक्का मुक्की बहुत किया उन्होंने, फिजिकल वायलेंस किया है, और इस चीज को लेकर करण कुंद्रा फैसला करने आ रहे हैं। और इस बात का खुलासा खुद करण कुंद्रा ने किया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है और लिख दिया है कि मुझे कॉल आया है क्वीन कंगना रनौत और मैं अब ऑन द वे हूँ जेल के तरफ, और मैं एज अ जेलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अनबायस्ड बिल्कुल नहीं रहूँगा, जो भी सिचुएशन चीज़ें हुई हैं और मैं जस्टिस करूँगा सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब नहीं है, अब इसका फैसला होगा। तो जी हाँ, अब तैयार हो जाइए, करण कुंद्रा तुरंत आ रहे हैं इस बड़े फिजिकल वायलेंस का फैसला करने। अब जीशान खान क्या करेंगे? जी हाँ, जीशान खान जो कि बिग बॉस ओटीटी में भी वायलेंस के चलते उन्हें निकाल दिया गया था, और इस बार तो उन्होंने एक फीमेल के साथ उन्होंने वायलेंस किया, फिजिकल वायलेंस, और ना सिर्फ आजमा के ऊपर तो बहुत सारी चीजें की है, साथ ही उन्होंने पायल रोहतागी को भी धक्का मारा है। अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। आपका रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके की खबरों के लिए।